So I am at a gym after a very long time. Kitne time baad? 3 saal baad. Nikki Kapoor in gym attire. Yahan aaga sabse best area hai. फाइनली मेरे कपड़े सोच रहे होंगे कि फाइनली अब ये औरत हमें पहन लेगी वो कह रही कि यहाँ पे ना यार मैं ना एक और लेयर पहन के आई हूँ इसके नीचे स्पोर्ट्स अटायर है मैं वो स्पोर्ट्स अटायर में नहीं आऊंगी बिकॉज यहाँ के लिए कुछ ज्यादा ही हो जाएगा हाँ, नहीं नहीं I was like, यार जो हो वो बन के रहो ऐसे दूसरों के बारे में क्या सोच रहे हो ठीक है ऐसे ठीक है निकी कपूर एम्बैरेस्ड थोड़ा वो हो रहा है बड़ा मजाक से हट के देखो जिम में इतने टाइम बाद आए हैं ये वाला एरिया इतना अच्छा है यहाँ पे हम बहुत सारे कंटेंट बनाने वाले हैं यहाँ पे 3-4 फ्लोर का जिम है नहीं दो ही फ्लोर है मेरे को तो बड़े सारे फ्लोर दिखे थे आते हुए हाँ तो दूसरे जिम्स है ना वहाँ पे देखा नहीं था अलग अलग जिम्स है जस्ट लाइक निकी बड़े बूम 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 टन 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 वर्कआउट करने की बात ही करनी है फिर चलो गाइस वर्कआउट करें I need to know, could you be the one to call when I lose control? भाई सीरियसली ऐसा लग रहा था यहाँ पे कि ऐसा कह रही जेन्युइनली फील हो रहा है कि क्लाइंट को कैसा लगता होगा वो कहते हैं ना जबकि जिम में फ्री नहीं होता कुछ सुपर सेट्स नहीं होते आज मैं जेन्युइनली बस इधर से उधर घूम रहा था क्योंकि जो मेरे को करना था वो अवेलेबल ही नहीं था बहुत सही भाई सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस आफ्टर 3 इयर्स मुझे अच्छा लगा मेरे को काफी अच्छा लगा क्योंकि वर्कआउट काफी अच्छा हुआ काफी फोकस में हुआ नहीं तो हम दोनों बातें करते रह जाते तो लोअर बैक तोड़ दी हृदय भाई ने हृदय ने लोअर बैक तोड़ दी यहाँ पे काफी ब्यूटीफुल एरिया है ये जैसे क्या शर्मा को अपने ऑफिस के बाहर चाहिए था वैसे यहाँ पे बना हुआ है हाँ तेरे घर में सब बना देते हैं हम एक जिम बना दिए खुशी नहीं है उसमें ये भी बना दो अच्छा ये एब्स एंड ऑल करेंगे हैं कंडीशन चेक नहीं नहीं मत काटियो हर्ष सही है यार यहाँ पे कुछ वो होता होगा डांस क्लासेस टाइप है ना जुम्बा या फन मजा आया 40 मिनट में ऐसा लग रहा था सीरियसली कि अभी 2 घंटे हो गए मैं आया काफी प्रोडक्टिव था वर्कआउट हवाबाजी की तूने बहुत करी आज वैसे तो मैं इसको भी यही कह रही थी कि जिम से निकल के इतनी अच्छी फील आ रही है नॉर्मल लोगों वाली ना जाते हैं निकलते हैं हाँ जिम से निकल के इतनी फैंसी चीजें दिख रही है कि चलो मोमोज खाने चलते हैं KFC खाने चलते हैं क्या बातें कर रही है जा खा ले बोले आगे बेकरी नहीं तो कभी मुझे बोले तो दे ये लो यार ऐसे बिल्कुल जिम के ना साथ में ऐसे बेकरी है तो किसी का भी मन कर सकता है ना कि भाई चलो बर्न कर लिए तो खा आते हो पर कोई बात नहीं है और हम आ गए हैं रेसिपी वीडियो बनाने और इसने मुझसे पूछा कि कुछ हेल्दी खाना है मेरे को क्या मैंने इसको बोला कि यार देख प्रॉब्लम ये है कि मैं द गो टू इज जंक इसलिए हूँ क्योंकि मेरे को कुछ अच्छा खाने को मिलता नहीं है और इसलिए मैं जंक खा लेती हूँ तो मैंने सोचा तो मैं चीज ले आई यम्मी सब बनाएंगे मस्त सी चीज ले आई अब मैं पिज्जा ब्रेड बना के खाऊंगी नहीं नहीं क्योंकि 10 ग्राम में 3 ग्राम प्रोटीन होते हैं लेजिट यार हेल्दी है मैं सैंडविच खा रही हूँ इसकी वाले चिकन का मतलब सैंडविच खा रही है तू सैंडविच नहीं सैंडविच चुड़ैल सैंड जो होती है वो सैंडविच होता है वो ओके भाई यो कॉट राइट हैंडेड सैंडविच और खाने के बाद हमने काम वाम कर लिया है और अब बज रहे रात के 11:30 क्योंकि हम 8 बजे से लेके 11:30 तक काम कर रहे थे 3 घंटे 2.5 घंटे यार रियलाइज नहीं हुआ 3 घंटे से काम कर रहे हैं हम वाओ 3 घंटे से हम काम कर रहे थे एंड नाउ इट्स टाइम टू गो फॉर मेरे मुंह में पानी भरा हुआ था इसलिए मैं तेरी तरफ कैमरा कर दिया लेट्स गो हम कोई पार्टी करने नहीं जा रहे हैं सिर्फ खाना खाने जा रहे हैं हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड हाय गाइस बोल के मेरे को याद आया कि अभी थोड़े दिन पहले मेरे को किसी ने ट्रोल किया था
हाय गाइस बोलने के लिए. वेल एनीवे मुझे हाय तो बोलना ही है यार. आप लोगों को इतने प्यारे लोग बार बार मेरे चैनल पे आके मेरे व्लॉग्स देखते हो तो हाय. और ये मैं हमेशा बोलूंगी चाहे जो मर्जी कोई भी कुछ भी बोले व्हाटएवर. सो आई एम एट माय साइट एंड आई एम व्लॉगिंग आफ्टर ऑलमोस्ट 10 days. जब से मैं मुंबई से वापस आई थी तब से मैंने व्लॉग नहीं किया था बिकॉज आई वाज सुपर अनवेल बिकॉज ऑफ ऑल द पोल्यूशन इन दिल्ली. और दिल्ली आके बैंड बज गई थी मेरी. आई एम एट माय साइट. पीछे सामान देख रहे होगे साइट पे हूँ मैं एंड आई विल टेक यू थ्रू इट. थोड़ी बहुत तबीयत खराब थी वो और ज़्यादा खराब हो गई है बिकॉज ऑफ ऑल द डस्ट. बट काम करना ज़रूरी है. वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट एंड आर्किटेक्ट बन गए हैं तो डस्ट के साथ तो थोड़ी फ्रेंडशिप कर लेनी चाहिए अब हमें. हेलो आमिश मिल रही हूँ. आमिश मिल रही हूँ. आ जा अंदर आ जा आया आ जा अंदर आके प्यार करेंगे हम. हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हुई हुई. हेलो गाइस. यो 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 How is work? Great. Great. And how is food? Amazing. Yeah, ये मिली है. Your food. Yay. मैं खाऊंगा white rice, chicken और sauce. कहाँ गई आपकी flexible dieting sir? Dieting. Dieting करने गई है. Dieting करने गई है. Random कि ये ऐसे ये कर रही है. ये कह रही हूँ मैं. समझे कि नहीं? मेरे को नहीं समझ. आर्किटेक्ट होने के साथ साथ एक बहुत अच्छी टीचर हूँ मैं, है ना यश? बिल्कुल. है ना, कलर सिखा रही हूँ मैं इसको. इसको थोड़े दिन पहले तक ये नहीं पता था कि रेड क्या होता है, डार्क रेड क्या होता है, क्रिम्सन रेड क्या होता है. वो सारे रेड ही होते हैं. हाँ, सारे रेड होते हैं. ये देखो ये जो सर्कल इन्होंने हाँ, बनाया है इसमें ये, तो जो यहाँ पे रेड है वो भी सेम है, यहाँ पे रेड है वो भी सेम है, और यहाँ वाला भी. ये देखो मैं बताता हूँ. हाँ, ये ऑरेंज है. अच्छा, और ये सारा रेड है. ये सारा रेड है. अच्छा, अब इस पे दवाइयों जरा इसको करियो. हाँ, अच्छा, अब ये जो सारे आए हैं ये सारे भी रेड है. ये सारे रेड है पर ये डल हो गया और ये ब्राइट हो गया. हाँ, तो वो डल और रेड में फर्क है ना. पर है तो रेड ही ना. हाँ चलो ठीक है. ओके सर, आप जीत गए. कितने दिनों से तो ये देख रहा है. ये इसको बोला था कि ब्लैक बॉक्स डालना है, इसने येलो पे येलो बॉक्स डाल दिया. कह रहा है ये फ्लोरोसेंट रेड है, ये वो फ्लोरोसेंट येलो है और ये दूसरा येलो नॉर्मल येलो है. पर है दोनों येलो ही. कौन से कलर की टी-शर्ट पहनी है? व्हाइट. और मैंने रेड. और ये कौन से कलर है? इसको हम केजी क्लास में ले गए हैं. ये रेडी है. विच कलर इज? अच्छा ये बता, ये डिफिकल्ट कलर है. ये कौन सा कलर है? ये वो है बेज. चलो ठीक है, कोई बात नहीं. मैं ब्राउन बोल. और यहाँ पर मेहनती बच्चे वर्कआउट करते हो और मैं यहाँ सिर्फ नाचना कर रही हूँ. मैं सिर्फ नाच रही हूँ यहाँ पर क्योंकि मुझे बहुत सारा जुकाम हो गया है और मैं तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं अपनी बॉडी को गर्म कर रही हूँ नाच नाच कर. कार्डियो कहते हैं इसको, जुम्बा कहते हैं इसको, राइट ईटीए? या. और यहाँ पे मैं इन बच्चों को कसरत करा रही हूँ. बॉडी बिल्डिंग प्रेप कोच हूँ मैं गाइस. ये एकांश रेंजर की पर्सनल. यही है. क्या कह रहे थे? यही है बेटा. आई एम द कोच हु ईट्स जंक. ओके चलो भाई. क्या कह रहे हैं? चलो भाई. ये क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, आई एम द कोच हु ईट्स जंक बट दूसरों को खाने नहीं देती हूँ मैं. नहीं खाने देती ना. चार साल बच्चों चपेट मार के रो रो के साइड में जाते हैं. अब मेरे नाक बंद है ना यार. तो ऐसे नाक बंद करके बोल रहा है तू क्योंकि मेरे नाक बंद है. तू मजाक मत उड़ा. बैड एक्टर.